हे गाइस, वेलकम टू झारखंड गुरु जी। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आ चुका हूँ। आज का जो अपना कंटेंट है वो सहायक चेयर के एग्जाम से रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का ये जो केस है जेटेट वर्सेस सीटेट, ये मुद्दा आप लोगों का बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। आप लोगों को ये सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, कि ये जेटेट और जो सीटेट है, ठीक है, इनका जो पहले का सुनवाई था वो आपको पता है, मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी बताया था 3 सितंबर, ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। 3 सितंबर जो है वो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट अगला हियरिंग का दिया गया था, ठीक है। लेकिन इसके डेट में कुछ चेंजेस आई हैं, इनका जो सुनवाई है इसमें कुछ परिवर्तन आया है। आज मैं इन सभी मुद्दों पर एकदम विस्तृत से जानकारी आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट होते हैं, ठीक है, मैं वो लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और जो भी है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समय समय पे मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुख्यमंत्री ने दिखाया अपना पावर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने एक प्रकार से अपना यहाँ पे पावर ही दिखाया है, क्योंकि आपको पता है झारखंड जैसे सहायक आचार्य है, ठीक है, इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पे जो है वो रोक लगा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट पे रोक लगा हुआ है, जिसके कारण जो है वो झारखंड सरकार चाह तो रही है झारखंड सरकार कि जो रिजल्ट है उसमें डिले ना हो और जो रिजल्ट है वो जल्दी से एकदम डिक्लियर हो कर सकें, ठीक है। और उनका जो मेन मुद्दा है वो ज्वाइनिंग को लेकर है, वो चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग किसी भी हालत में वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक कुछ भी डिले नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 26,000 वैकेंसी है। अगर PRT और TGT को मिलाते हैं तो आपका जो है वो 26,000 वैकेंसी है, और ये एक अच्छा मौका है अभी जो चुनाव जो सामने है, ठीक है, चुनाव में दिखाने का कि मैंने 26,000 वैकेंसी को बहाली किया। और उनका मेन मुद्दा है कि आपने देखा कि जो विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष जो है उनके द्वारा जो है वो बार बार यही मुद्दा को उठाया जाता है कि आपने 5 लाख का जो है वो स्टूडेंट से वादा किया था, उनका उन वादों का क्या, ठीक है, ये सब मुद्दों से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले भी आप लोगों को ये बताया था कि मुख्यमंत्री जो है वो SLP जो है वो दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट हुआ भी यही कि SLP जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो ये मुख्यमंत्री का ये जो वकील लोग रहता है, ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है उसे दायर कर दिया गया। इसी का जो है आज मैं विस्तार स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा। वैसे जो ये जो एप्लीकेशन जो दायर किया गया था वो इंग्लिश में दायर किया गया था, आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लेटर है, अगर आप लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो ये लेटर में देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेज ऑर्डर इज़ नॉट, ठीक है, लिफ्टेड, द स्टेट ऑफ द झारखंड विल बी अनेबल टू अपॉइंट न्यू टीचर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे साफ एक ही मुद्दा को रखा कि अगर आप इस पर रोक लगाइएगा तो ये जो मेरा जो PRT और TGT के जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा शिक्षा को प्राप्त करने में, क्योंकि इन लोगों को एक प्रकार से मेरे पास टीचर का है कमी, तो आप जल्दी से हमको दे दीजिए ऑर्डर ताकि ये जो है कमी को हम समय रहते फुलफिल कर सकें, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है लेटर में, ठीक है, उनके द्वारा जो दायर किया गया है उसमें क्या किन मुद्दों को बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त तो मामले माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित WUPC संख्या 2785/2023 में दिनांक 20/12/2023 के अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न एक SLP है। वर्तमान पत्र प्रतिवादी द्वारा 3/9/2024 से सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष मौखिक उल्लेख की मांग करते हुए दायर किया जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि आप लोगों का ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ था वो 20/12/2023 में हुआ था, और जो आपका वो अगला डेट जो मिला था 3 सितंबर को मिला था, ठीक है, 2024 में ही, सॉरी यहाँ पे भी 2024, ठीक है, तो ये आपका 24 में मिला था, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है आपका सुनवाई हुआ था और जो नेक्स्ट हियरिंग का मिला था, लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ बोला है कि महोदय आप जो है ये जो सुनवाई है इसको कर दीजिए जल्दी, क्योंकि मुझे हो रहा है यहाँ पे जाइए, ठीक है। तो ये रहा मुद्दा, उसके बाद आगे देखिए, आगे में सरकार ने यहाँ पे लिखा, इस संबंध में कहा गया है कि यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष 26/4/2024 के बुद्धिबद्ध किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो शुरू हो रही है 27
4/2024 को जारी रहेगा, लेकिन इसका परिणाम इस माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने ये देखा, ये जो है वो जजमेंट जो है वो वहाँ पे दिया गया था। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए 3 सितंबर आप लोगों का यहाँ पे सुनवाई अगर होता है, ठीक, तो सरकार के पास तो उतना वक्त ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे DV, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 26,000 बच्चों का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए तो अप्रोक्स जो है 1 मंथ मानकर चलिए। ठीक है, इतना भी आपको भी पता होगा कि यहाँ पे जो है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इतना तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पे, ठीक है, इतना तो आपको ही पता होगा कि यहाँ पे जो है वो 20 से 22 दिन, ठीक है, इससे कम तो लगने का कोई उम्मीद नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि PGT में आप लोगों का ये जो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे वो TGT हो, TGT में जो हाई स्कूल वाला जो पुराना वैकेंसी है उसमें, चाहे आप लैब असिस्टेंट का देखे होंगे, जितने भी हैं उसमें 15 से 20 दिन नॉर्मल लगता है, और यहाँ पे 26,000 वैकेंसी है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो मुद्दा है यहाँ पे जेटेड वर्सेस सीटेट का मुद्दा है, और मैं इसी चीज़ को मानता भी हूँ कि देखिए, अगर जितने भी जो भी बच्चे टैलेंट हैं, चाहे वो सीटेट के हैं या फिर जेटेट के हैं, जेन्युइन कैंडिडेट को मिलना चाहिए, मैं इसी उद्देश्य से हूँ। ठीक है, ना तो मैं जेटेट के पक्ष में हूँ ना तो मैं सीटेट के पक्ष में हूँ, क्योंकि मैं एक जेन्युइन चीज़ें हैं उसी को मैं आप लोगों के समक्ष बोल सकता हूँ। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, वैसे भी अगर झारखंड को देखा जाए तो यहाँ पे प्राइमरी और जो मिडिल जितने भी हैं, ठीक है, दोनों में अगर पढ़ाई को देखा जाए तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो है वो हमारे जितने भी ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो पीछे पीछे जो है वो हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ना तो वो समझाने के लिए एक अच्छा शिक्षक है। लोग अभी क्या है कि अभी मैं खुल के तो इस चीज़ को नहीं बोलना चाहता हूँ बस, लेकिन आप इतना समझ जाइए कि अगर आप सिर्फ जॉब लेने के उद्देश्य से टीचर बनना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत बनिए। ठीक है, क्योंकि उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचिए। ठीक है, जॉब बिल्कुल लीजिए, पैसा बिल्कुल कमाइए, ठीक है, लेकिन एक सेवा जो होता है ना वो बहुत अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, और आप लोग जो है वो जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जो है वो शिक्षक अगर बनते हैं ज़िंदगी में तो आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जितना भी हो सके आपसे उतना जो है वो शिक्षा जो है वो आप लोग उन्हें उस स्टूडेंट्स को जो है वो दे सकें। ठीक है, बस यही है मुद्दा। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, उसी के अनुसरण में प्रतिवादी ने दिनांक 26/4/2024 के अंतिम निर्देश के संशोधन की मांग के लिए झारखंड प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणामों की घोषणा की अनुमति देने के लिए 2024 में आइए, देखिए है ना, यहाँ पे देखिए आइए संख्या 154497 दायर किया है। ठीक है, तो ये जो है अगर किन्हीं को चेक करना है तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये जो नंबर है उसी के आधार से आप लोग जो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया कि मामला आखिरी बार 19/7/2024, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने मामले को 3/9/2024 तक के लिए स्थगित कर दिया था। यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपने वहाँ पे देखा कि क्या हुआ आप लोगों का, ये जो सुनवाई उस दिन का था, ठीक है, सुनवाई जो है उस दिन का कुछ हुआ ही नहीं, 1-5 मिनट के अंदर पूरा ख़त्म हो गया, लोग इतना इंतजार किए, बहुत गलत हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर वकील लोग जब अगर उन लोग का मन नहीं रहता है ना तो वो लोग सुनता ही नहीं है, वो लोग लोगों का फ्यूचर कुछ भी हो ये सब गलत है, लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, वर्तमान मामले में तत्कालित यह है कि प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में सहायक आचार्य की कुल जो है, कुल देखिए मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है, 50,000 पोस्ट है यहाँ पे, झारखंड सरकार ने यहाँ पे बोला है कि मेरे पास जो है वो बहाली के लिए 50,000 पोस्ट है, मैं जो हूँ अभी यहाँ पे 26,000 प्राइमरी और मिडिल को लेके 26,000 बहाली कर रहा हूँ, इसके बाद तुरंत जो है वो 24,000 बहाली होगा। फिर आप लोग बोलिएगा कि सर 24,000 बहाली कब होगा, सरकार रहेगा सब, तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि 24,000 जो बहाली है कोई भी सरकार आए, चाहे वो BJP आए, ठीक है, चाहे वो JMM आए, कोई भी आए, ठीक है, कोई भी सरकार आए तो इनके द्वारा जो है ये 24,000 जो करवाया जाएगा, क्योंकि इतना सीट जो है वहाँ पे खाली है। उसके बाद फिर देखिए, स्वीकृत किए गए हैं प्राथमिक विद्यालय 1-5 में इंटरमीडिएट, उच्च प्राथमिक विद्यालय 6-8 सहायक अध्यापक पद पर आगे कोई नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, इसके आगे अभी कोई नियुक्ति नहीं होगी, वर्तमान में सहायक आचार्य नियमावली प्रभावी है, ठीक है, प्रभावी है, तथा भविष्य में इस पद में सीधी भर्ती की जाएगी। ठीक है, यदि स्थगन आदेश नहीं हटाया गया तो झारखंड राज्य नए शिक्षकों की नियुक्ति करने में असमर्थ होगा। ठीक है, जिससे बच्चों को प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता, ठीक है,
गुणवत्ता में समझौता होगा। मतलब एक प्रकार का यहाँ पे ये आप लोगों का बोल दिया गया है कि अगर आप लोग जो है इसको जो है उस बाउंडेशन को नहीं हटाते हैं तो बच्चे लोगों को ये जो प्राइमरी और जो मिडिल है वहाँ पे लोगों को शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो टीचर तो है ही नहीं, तो अगर टीचर नहीं है तो बच्चे स्कूल में जाकर क्या करेंगे। इन सभी मुद्दों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रख दिया गया, ठीक है। और ये जो मुद्दा जो है वो एक प्रकार का जेन्युइन भी मुद्दा है, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाला नहीं है, समझे। तो आप भी अपना जो है वो ओपिनियन दें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपने देखा कि दिक्कत कई लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अक्षर की भर्ती झारखंड राज्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपने देखा, इन्होंने आवश्यकता के बारे में बात किया। 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के परिणाम रोकने से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को काम काज बाधित होता है, जिसका सीधा असर कक्षा 1 से 8वीं तक नामांकित कई छात्रों की शिक्षा पर पड़ता है। तो आपने देखा कि कक्षा जो 1 से 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो है शिक्षा में वो एक प्रकार से बाधा पड़ने वाला है, ठीक है। इन सब मुद्दों पर बात किया। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर टू में देखिएगा, परिणाम घोषित होने में देरी से शिक्षक छात्र अनुपात बिगड़ेगा। बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित वंचित स्तर से नीचे, यह झारखंड राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं समग्र सीखने की माहौल भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चा है उनको जो होता है वो शिक्षा जो है, ठीक है, शिक्षा को जो मतलब प्राप्त करने में यहाँ पे प्रभावित होगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे है, इसलिए यह अत्यंत तो महत्वपूर्ण है कि मामले को सूचीबद्ध किया जाए और सुनवाई की तारीख पहले की जाए, ताकि प्रतिवादी राज्य माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 26/4/2024 द्वारा दिए गए स्थगन को हटाने के लिए दबाव बना सके, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के ये है कि ये जो पुराना वाला मामला है, ठीक है, 3 तारीख वाला जो मामला है इसको हटाने का मुद्दा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था लेटर, ठीक है। और ये अगर आप लोग को हिंदी में समझ में नहीं आया तो यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बाकी ये है, ठीक है। और ये जो है इसमें इन्होंने झारखंड जो सरकार है उन्होंने NCTE का ये जो गाइडलाइन है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे CTET और जो टेट है, ठीक है, दोनों को यहाँ पे दिखाया कि जितने भी नेबरहुड जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, इसमें इन्होंने दिखाया कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, हर स्टेट में जो है वो लागू है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ भी लागू होना चाहिए, ठीक है। मुद्दा ये किया जाए कि क्या होगा सर आगे। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, ठीक है, कुछ JTET वाले नेगेटिव भी कमेंट करेंगे या फिर CTET वाले नेगेटिव कमेंट करेंगे तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है हर स्टूडेंट्स को, ठीक है, और हर व्यक्ति को जो है वो यहाँ पे फ्रीडम है अपनी बातों को जो है वो एक्सप्रेस करने का, ठीक है, और जो है वो अपने स्पीच को बोलने का, ठीक है। तो सब अपने बातों को बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे जो है वो सीटेट जो है उनका बाहर निकलने का 1% भी अगर उम्मीद किया जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुद्दा निकलने का अगर होता तो निकल भी सकता था, लेकिन अगल बगल का ये जो स्टेट है, ठीक है, जितने भी हर स्टेट में लागू है, अगर यहाँ पे प्रभावित कुछ होता है तो अदर जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश हो, हर स्टेट में जो है वो इन सब चीज़ों को ये किया जाएगा। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था, ये जो CMO है, ठीक है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले भी ट्वीट करके इस चीज़ को जो है वो बताया था कि मैं जो है अपना जो ये जो SLP जो है वो फाइल में करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो आप लोगों का सुनवाई है, ये जो आप लोगों का सुनवाई कब होगा, तो आप लोगों का ये जो सुनवाई है मैक्सिमम से मैक्सिमम मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, या फिर वेडनेसडे, ठीक है, ये 3 दिनों के अंदर जो है वो आप लोगों का सुनवाई हो जाएगा। जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैं खास बात कर रहा हूँ, जितने भी सीटेट कैंडिडेट हैं आप लोग जो है वो फंड कर दें, ठीक है, वो सूरज मंडल सर के जो अकाउंट है उसमें जो है वो फंडिंग कर दें, क्योंकि आप लोग ने अच्छे से जो है वो एग्ज़ाम को दे दिया है। और एग्ज़ाम सिर्फ देने से कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों का भी लड़ाई है, ठीक है। तो आप लोग, और मैं समझता हूँ कि अगर सीटेट को यहाँ पे वैलिड भी किया जाता है, ठीक है, तो JTET वालों का कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप में टैलेंट होगा तो आप बिल्कुल इस जॉब को लीजिए, अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो इस जॉब को लेकर क्या कीजिएगा,
क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? अगर अपने बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि लोगों का भी भला होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? या फिर इसका मतलब आपका एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पे जाकर सोना है, तो वो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ज़माना जो है वो बदल रहा है, ठीक है? बाकी मैं इस चीज़ को भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग जितने भी जेटेट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जेटेट का जो फॉर्म है उसको भरा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जेटेट कैंडिडेट के द्वारा जो है वो जैक में, ठीक है, जैक में एक एप्लीकेशन को दिया गया, और इस एप्लीकेशन को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार, विषय झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में प्रत्येक खंड में न्यूनतम % की बाध्यता खत्म, सिलेबस जारी, ठीक है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को यहाँ पे बाध्यता रखा गया है, ठीक है? और आप लोगों का ये जो सिलेबस है, मैं इस चीज़ के मुद्दे पर कितना बार आप लोगों से बात कर चुका हूँ कि देखिए आप लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो खड़ा होइए, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी जो है वो ऐसे प्रयास नहीं करना चाहता है, क्योंकि देखिए आप लोगों का भी बेनिफिट है, और जितने भी कैंडिडेट जो रांची में रहते हैं, ठीक है, वो लोग तो जुड़ ही सकते हैं, ठीक है? तो चैनल को जुड़ जाइए, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ का टेलीग्राम ग्राम जो है उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है? सभी जुड़ जाएं, ठीक है? उसके बाद फिर जो है इसका जो है आवाज़ को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जेटेट जो है वो पास करने में आसानी हो, ऐसे पास करना बहुत मुश्किल है। बाकी देखिए यहाँ पे है कि महाशय, सविनय निवेदन यह है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 के उल्लेख में परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40%, देखिए जनरल के लिए 40% है, मैंने बताया था, ओबीसी के लिए 35%, ठीक है, अगर आप एसटीएससी से हैं तो 30% आप लोगों को हर सब्जेक्ट में लाना है, ठीक है? और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे भी एकदम डिटेल वीडियो आना चाहिए तो कमेंट कर दें, ठीक है? तो ये जो मुद्दा है ये इसी का रिगार्डिंग जो है वो फाइल किया गया है, ठीक है? बाकी आप लोग इसका जो है, अगर आप लोग जो जितने भी लोग तैयारी करते हैं वो इस चीज़ को बताएं कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है, गुजरात को कहा जाता है, और आपने देखा कि ये विभिन्न विभिन्न जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा गया है। बाकी आपने देखिए ये जो जेटेट का मुद्दा है, तो जेटेट में आप लोगों के लिए अभी जो है अभी तक आप लोगों का 17,000 से ज़्यादा आवेदन हो चुका है, और अगले सप्ताह जो है वो आप लोगों का ऐसा कुछ लिखा गया है कि सिलेबस जो है वो जारी होगा। बाकी हम लोगों के द्वारा जो है वो बहुत तरह तरह से प्रयास किया जा रहा है कि सिलेबस को जो है वो किसी भी हालात में वो जो है वो जारी कर दे, लेकिन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो है हम लोगों के द्वारा जो जितने भी रणनीति है उनको जो चलाया जा रहा है। बाकी अगर आप चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, मैं जो है वो अक्सर आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट जो है वो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को कर लें सब्सक्राइब।